दो बच्चे लेफ्ट हो जाएंगे, दो बच्चे लेफ्ट हो गए, कोई बात नहीं। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे, और आप सबको बच्चा हैप्पी मकर संक्रांति, इन लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। लगता है सारे बच्चे सोए हुए हैं। हाय बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। सर आपको भी सर गुड सेम इवनिंग सर। टू यू। ये सेम टू क्या होता है भाई? नहीं बोलना है सारे बच्चे हैप्पी मकर संक्रांति। जी। और देखो ऐसा नहीं कि एक बच्चा बोल दे तो उसे हो गया, ठीक ना? अगेन बच्चा जब भी क्लास में हो थोड़ा सा एनर्जेटिक, थोड़ा सा माहौल बना के, और पढ़ना है थोड़ा सा मजा आ जाएगा, है ना सर जी? अब बच्चे देखो जैसे ब्रदर, अभी, हाय सुन दे बेटा, जैसे बच्चा आपको अभी आपको दिख रहा होगा बच्चा, अभी से क्या हो बच्चो रहा है, अभी आपका है ना पूरा फुल सिलेबस टेस्ट आपका हो रहा है, पूरा फुल टेस्ट हो रहा है, 11th का पूरा फुल टेस्ट हो रहा है। अभी अभी बच्चा बोलोगे सर हमने तो ऑर्गेनिक किया नहीं है, फ्री बच्चा में क्वेश्चन पूछ जा रहा है ना? तो बच्चे तो यहाँ पे ध्यान दो, एक आपको क्लियर कट आपको चीज आपको प्रॉपरली बता, ध्यान समझना, ठीक है? बच्चा मुझे बताइए, अगर आपको एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स लेके आना है तो आपको 300 में से कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा ब्रांच चाहिए एनआईटी में तो बताइए जरा तीन कितना? सौ सर 300 ही। 300? पॉसिबल नहीं 300 लेके आना अभी अभी के लिए, बताइए कितना मार्क्स लेना, कमेंट कीजिए बच्चा, कमेंट कीजिए सारे बच्चे। 100 यान 200+। ओके सुरेंद्र बोले 200+। अगर मैं एनआईटी हमीरपुर की बात करूं, बता कितना मार्क्स चाहिए बताइए जरा। 200+, ठीक है। और कोई बच्चा? 90 150 प्लस 150+। 150+, ठीक है। अब बच्चा देखो मैं आपको एक चीज बताता, ध्यान समझना आप प्लीज, थोड़ा सा ध्यान से समझ, ठीक है ना? बच्चा आपके पास तीन पेपर है, ठीक है ना? अभी सुरेंद्र बोल रहे 120+, ऐसा वो बोल रहे हैं, 120 बोल रहे हैं, ठीक है? हर सब्जेक्ट में 25 25 क्वेश्चन आपको करना पड़ता है ना? हर क्वेश्चन में आपको 25 25 क्वेश्चन लिखना पड़ता है ना? तो अगर 25 क्वेश्चन सही कर दे कितना मार्क्स आएगा? 100 मार्क्स आएगा, बिकॉज एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, ठीक है? ये बच्चों ठीक है, ये कोई यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बच्चा ध्यान समझो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आप है ना, अगर आप बच्चा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, टू इनफैक्ट 85 से 90 मार्क्स में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, आप जेई एडवांस दे पाओगे, पहली तो बात इतने में सीट भी मिलेगी। बता रहा हूँ, बता दो बता रहा हूँ, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है ना? फिर बच्चा अगर मैं ओबीसी की बात करता हूँ, तो बच्चा जहां तक मैं समझता हूँ आप ये बोलोगे आपका 70 से 75 मार्क्स में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, अगर आप एससी से हैं, है ना? तो बच्चा ध्यान समझ, मैं फैक्ट बता रहे ना, आपका 50 से 60 मार्क्स में क्वालिफाई हो जाएगा, अगर आप एसटी हैं तो 45 से 55 में आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, इतने मार्क्स में क्वालिफाई कर लोगे। अभी करिश्मा ने बोला कि क्या हमें सीट मिलेगी, नहीं बच्चों ये बता, ये देखो ये फैक्ट है, ये 300 में से मार्क्स बता रहा हूँ, मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है? इतना मार्क्स बता रहा हूँ, अगर आपका 80 से 95 मार्क्स के बीच में, तो आपका ना आपका जो परसेंटाइल है वो परसेंटाइल बनेगा 90+। अगर आपको टॉप 10 परसेंटाइल में आना है, परसेंटाइल, तो आपको 80 से 90 मार्क्स लेके आना पड़ेगा टॉप 10 के लिए परसेंटाइल में, मतलब आप इसका मतलब क्या, आपको 90% बच्चों से आप आगे हो, तो ये आप उसमें बोलते हैं परसेंटाइल, है ना? ये बात हो गया। अब देखो अभी आपका आता ब्रांच के बारे में बच्चों में बात करते हैं। अब बच्चा सिंपल सी बात है, ब्रांच है मिलता है ऑल इंडिया रैंक से, जब भी आप जे एग्जाम दोगे तो बच्चा क्या होगा आपका 2 रैंक आएगा, अगर आप वो कैटेगरी बिलोंग करते हो तो,
क्या बच होता है, दो रैंक आता है अगर अगर कट गई तो क्या बचोगा, एक होता है सीआरएल रैंक, एक होता है कैटेगरी रैंक। सीआरएल मतलब क्या बच्चो, कॉमन रैंक लिस्ट है ना, कॉमन रैंक होता है। अगर आपको एनआईटी हमीरपुर जाना है और हमने लास्ट ईयर के जगह, अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं, अगर मैं आपको लास्ट ईयर का ट्रेंड बताऊं बच्चों, तो आप जान के आपको हैरान होगा। 200 बच्चों मैं आपको बताता हूँ, 200 को बताता हूँ। चलिए तो बच्चा मैं आपको चीज बता, ध्यान समझियो ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं प्रॉपरली बता रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में ये सब चीज आपको बता रहा, क्लियरली बता बता रहा हूँ ठीक ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कितना मार्क्स आपको चाहिए। ये बच्चा मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको टेस्ट देने से मोटिवेट आपको है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन करना नहीं है। अगेन अगर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन में से 25 में से अगर वो 10 क्वेश्चन में सही कर रहा है ना बच्चा, तो वो बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहा है। आपको यही टारगेट को ट्रैक करना है, आपको हर एक क्वेश्चन ट्राई नहीं करना है। 25 में से अगर आपका 10 से 15 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आप एकदम सही ट्रैक पे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तुम्हारे बच्चों, हाँ या ना? यस सर, जी यस चलो। सर। सर अब बच्चों मुझे बताओ, आपको आपको एनआईटी हमीरपुर में कौन से ब्रांच का बताना है? बच्चों एनआईटी हमीरपुर में बहुत सारे ब्रांच है, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ईसी, फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स, मटेरियल साइंस, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, फिर आपका डुअल डिग्री दोनों फिर आपका बनता है ठीक है ना। बताइए कौन सा आपको जानना है, बताइए। देखो कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर जी हाँ, कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर साइंस ठीक है ना। देखो अगर आप, होता हाँ मैं आपको ना हर एक ब्रांचेस में आपको प्रॉपर बता, ध्यान से ये सब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको एग्जाम में मोटिवेशन है। अगेन छोटा नहीं है ये बच्चा, लंबी रेस का घोड़ा है, ये स्लो स्लो नहीं होगा, आपको थोड़ा सा टाइम देख के देख आराम आराम से क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपको हर एक पार्ट बच्चा आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट से, तभी जाके आप प्रॉपरली कर पाओगे। अब देखो अगर आप फीमेल हो, अगर आप फीमेल हो और आपको क्या चाहिए बच्चों, अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए है ना, तो अगर आप जनरल, अगर आप जनरल बिलोंग करते हो, तो बच्चों जनरल में आपको 18,000, अगर आपका ऑल रैंक 18,000 होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, अगर आप यहाँ पे जनरल से बिलोंग करते हो गर्ल्स। और बॉय अगर आपको कॉमन बच्चे कितना होगा, कॉमन आपको होगा 12,000 रैंक। अब ये बच्चा कितने मार्क्स में आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अच्छा मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। मतलब कितना बच्चों, आप ये बोलते हो 300 में से कम 180 से 210 मार्क्स लेके आना पड़ेगा, तब जाके आपका इतना रैंक बनेगा। ये सबके लिए, ये सबके लिए, इवन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी है। अगर आप एससी बिलोंग करते हो है ना, तो बच्चों देखो तब आपको है ना उनका कैटेगरी रैंक कितना होना चाहिए, बच्चों आपके पास बोलो लिखा है 2500 की कैटेगरी रैंक बच्चा कंप्यूटर साइंस का, इसका मतलब बच्चों उससे कॉमन रैंक कितना बच्चा हो सकता है, ये हो सकता है कम से कम 50,000। अगर आपके, अगर आपका 50,000 रैंक है, कॉमन रैंक है, तो आपका लग जाएगा अगर आप कोई कैटेगरी बिलोंग करते हो। तो बच्चों ये बहुत आसान है, इतना लाना बच्चों बहुत आसान है, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे बच्चों, हाँ या ना ये पार्ट? यस अगर आपको एनआईटी हमें ना फिजिक्स करना, फिजिक्स पढ़ाई करना है, फिजिक्स पढ़ना है आपको, तो बच्चों क्या होगा सिंपल बच्चों, उसके तो बहुत कम मार्क्स चाहिए आपको। अगर मैं आपको जनरल की बात बताऊं, तो बच्चा जनरल में आपका 35,000 रैंक में आपको मिल जाएगा, बहुत कम मार्क्स, ज्यादा इतना मार्क्स नहीं, 35,000 रैंक। ये बच्चा मैं आपको रैंक बता रहा हूँ, आप बच्चा क्या होता है आपका रैंक से आपका सीट मिलता है। तो मेन बात क्या बच्चों, अगर आप जनरल पढ़ाई करते हो, अगर आपका मार्क्स 100+ आ रहा है किसी बच्चे का, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ वो एनआईटी सीयूटी कोई भी कॉलेज में उसका अच्छे से आ जाएगा। 100+ मतलब कितना बच्चों, आप ही देखो, आप केमिस्ट्री में 12 क्वेश्चन कर लो, मैथ्स में 12 कर लो, ये काम करते हैं, एक काम करते हैं सब में 10 करते हैं, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, आपका 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन राइट होना चाहिए, तो कितना मार्क्स बना, 40, तो ये आपका हो गया 120 बच्चा, 120 से तो बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको।
समझे मेरे पास बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यस यस सर, सर, हाँ यस यस सर, तो प्लीज बच्चा अच्छे से पढ़िए, पढ़ना बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से ज्यादा बच्चों बच्चो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आना चाहिए। आप मुझे क्वेश्चन बोलिए क्या आपको पढ़ना, तो आप आराम से मैं आपको भेज दूंगा कुछ उस चैप्टर का, आप पूछो मैं भेजूंगा आपको मैं, यस सर, ठीक है ना? यस सर, ये जो बच्चा मैंने बताया ये आपको, और देखो यस अगेन सोचो इतने मार्क्स में आप क्वालिफाई करो, मतलब क्या आप IIT एडवांस दे रहे हो 50-60 मार्क्स में, बच्चा आप और भी कर सकते हो अच्छे से, इतना तो हम पढ़ा रहे हैं आपको प्रॉपरली, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चा। है ना? ओके सर, तो प्लीज सारे बच्चे ध्यान से अच्छे से मन लगाए पढ़ेंगे, ठीक है ना? और बस देखो अभी मैंने क्या किया बच्चों, अभी मैंने आपके ना माइंड मैप करके वो बच्चा मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ मैं, ठीक है ना सर? IIT के लिए बच्चा आपका IIT क्या होना चाहिए आपका, आपका 6 पेपर आपको देना है, केमिस्ट्री पार्ट है केमिस्ट्री पार्ट बी, फिजिक्स पार्ट है फिजिक्स पार्ट बी, केमिस्ट्री पार्ट है केमिस्ट्री पार्ट बी, और आपका कोई पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। लास्ट है बच्चा आपका 100 मार्क्स में भी आपका एडमिशन हो गया था IIT का, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स में आपका IIT में हो गया था। अब देखिए हाँ थोड़ा वहां पे आपको कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ता है, दिमाग भी लगाना, खाली पढ़ के नहीं होता, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, हो जाएगा। आपके अंदर जो भी डाउट है प्लीज पूछिए, मैं बताऊंगा आपको, है ना? तो प्लीज यस सर, ध्यान समझिए। ये बच्चा मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज देखो अभी हम 11th का इम्पोर्टेंट पार्ट कर रहे हैं। अब देखो 31 से लेकर आपके पास बच्चो आपके पास 60 क्वेश्चन है। अगेन 10 में से 10 क्वेश्चन तो करना नहीं है, 5 क्वेश्चन करने हैं खाली, राइट? तो एक काम करो ना, कोई बात नहीं, आप ये क्वेश्चन कर लो KSP वाला बच्चा मैंने बता दिया, वो क्वेश्चन कर लो, ये सारे क्वेश्चंस कर लो। फिर देखो KP कैसे कैसे, तो ये भी मैंने आपको बताया, बता नहीं बता, देखो। और बच्चों दो ये बताओ क्या ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बच्चों बता रहा हूँ रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये मैं कराया था आपको, यस सर, ये क्वेश्चन तो बच्चा आपका इस बार JW में आया भी था, ये क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन, ये भी अच्छा मैं कराया था आपको, राइट? तो आप देखिए क्वेश्चन कैसा आप कर सकते हो, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं। देखो इक्विलिब्रियम क्वेश्चन बच्चा को आ रहा है, अलग अलग पेपर होते हैं IIT में, कहाँ से पेपर? हाँ बच्चा आपको हर एक पेपर देना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और हाँ भाई अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? नाइस नासा, नासा? कहाँ भाई नासा का, नासा वासा नहीं जाना है, इसरो बहुत बढ़िया है, या तो यहाँ पर जाओ, यहाँ पर चले जाओ, हो गया काम। यस इसके सर, बाद, इसके बाद आप पता क्या, इसके बाद आप यहीं पे जाओगे, इसके बाद यहीं पे जाओगे, या तो यहाँ पर जाओगे। यस सर, तो प्लीज पढ़िए, सच बता दो, साइंस और सब्जेक्ट बहुत लकी होते हैं, लाइफ उनके पास खुला रहता है, और वो 28 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं साइंटिस्ट बनने के, सही बोल रहा हूँ? एज तो काफी है, जो नहीं तो छोड़ दो उसको। हाँ सही में नहीं, टाइम लगता है कभी कभी, लेकिन करोगे तो हो जाएगा यस सर, भाई। आप सिंपल से आप मास्टरी तो करना पड़ेगा ना, मास्टरी करेंगे कम से कम कितना, इतना ये तो चाहिए चाहिए ना, है ना? अगर आपको मास्टरी करना है तो इतना तो ये कम से कम लगे, इतना कम से कम है कि नहीं जी? तो बच्चा मैं ऐसा ये सब क्यों बता रहा आपको, रीजन बच्चा ये देखो, इजी क्वेश्चन टार्ट कीजिए। ये सब बच्चा बच्चे देखो, ये क्वेश्चन है 32 वाला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस इन फॉलोइंग कंपाउंड, ये आपको बोला गया है। बच्चा मैंने आपको एक चीज नोट बताया था बेरियम का, मैंने आपको छोटा पेज दिया था, बेरियम क्या होता है, +2 भी होता है, तो यहाँ लिखो +2 लिखो। हाइड्रोजन कितना होता है, अगेन बच्चा हाइड्रोजन कितना आ गया, +2 आ गया। आपको हाइड्रोजन निकालना, एक्सरे निकालना है, फॉस्फोरस निकालना है, ऑक्सीजन होता है -4 बिकॉज दो, और यहाँ पे 2 चार्ज है, क्या होगा इक्वल टू 0। सॉल्व करो, आपका आंसर क्या, क्या आंसर आएगा आपका, ऑप्शन सी आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है,
अगर आपको फिर भी समझ आती है और आप थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, देखो इसको आप अलग कीजिए, कैसे कर सकते हो, बी ए टू प्लस टू एच टू पी ओ टू माइनस वन, इसको सॉल्व कीजिए आप, यहां निकाल दिए आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी। कैसे करोगे, प्लस फोर प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस वन, है ना, सॉल्व करो आपका आंसर आ गया, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, बन जाए यस आपका आंसर। अब देखो 33 वाला क्वेश्चन, अब देखो ये पार्ट है, बोला विच इज फॉलोइंग कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, क्या यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाना है। बच्चा नंबर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, यस कौन सर, बोलेगा मुझे क्या होता है नंबर मोल्स का फॉर्मूला, है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन ना। मास अब बच्चा मोलर मास, ये फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला हम कितनी बार कर चुके हैं, तो क्या होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास, क्या करोगे, 32 डिवाइड बाई ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन होता है 16 होता है, दो का होता है 32, तीस, तो कितना होगा 32 डिवाइड बाई 32, पहले कितना आया आप बोलोगे, वन मोल आया, यस सर, हाइड्रोजन पे तो क्या लिया 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम दिया है, एक हाइड्रोजन एक होता है, दो कितना बचोगा, दो का दो, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 0.5 आ गया। सी देखो बच्चा, एक ऑक्सीजन 16 होता तो तीन कितना बचोगा, 16 थ्री 48, तो 24 डिवाइड बाई 48 कितना आ गया, इसका भी 0.5 है, तो किसका ज्यादा मोल से बच्चों, आप बोलोगे ऑप्शन ए का ये मोल ज्यादा, इतना ही करना है, यस इतना ही करना है आपको, बन गया आपका आंसर। हाँ जैसे मान के चलो ये आपका यस 30 सर, वाला क्वेश्चन है, अब बच्चे से क्या होना चाहिए, इसका आपको आपको इसका रिएक्शंस आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो जब ये H2S से रिएक्ट करता है K2Cr2O से, तो बच्चे क्या बनता है, ये आपका बनेगा Cr3+ प्लस अल्फा बनेगा। मैंने सर जे सर क्या जे मेंस के लिए मेंटर हेल्प करता है, हाँ क्यों नहीं, अरे हम मेंटर में तो क्या है, हम भी हेल्प करेंगे, चिराग सर भी हेल्प करेंगे, सारे सर हेल्प करेंगे, इसलिए तो है यहाँ पर, और हमारा का ये हम ये क्यों कर रहे हैं हम सब बच्चा, ये क्या लिखा है, देखो ये क्या लिखा है, ये क्या, ये आपका जेडब्ल्यू मॉक टेस्ट है सब, पर मैं 29 नहीं, मैं कहाँ से हुआ, पढ़े यहाँ पे तो अवंती क्यों है ना, बच्चा सब आपका हेल्प हो, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो बोलो सब मिलेगा। अब देखो अभी आपका 34 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत स्टेटमेंट है, देखो देखो अब बच्चे मास पूछा, देखो मास पूछा, अब देखो हमें ये पता है जो आपका मास होता है प्रोटॉन, बच्चा प्रोटॉन का मास कितना होता है, परमिंदर कौन बताएगा, परमिंदर से किसी को पता है याद बच्चों, आप खाली ये चीज ध्यान रखना है, पावर क्या होता है, ये होता है 10 के पावर -27 होता है किस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना बच होता है, ये भी आपका 10 पावर -27 के आसपास होता है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10 के पावर -31 होता है, तो सबसे कम मास किसका है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम दिख रहा है, किसके मास सेम बचो, आप बोलोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, तो क्या ले दो मास और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन साथ सेम, तो क्या होगा, ये आपका गलत स्टेटमेंट, तो क्या करना आपको, सी इज द राइट आंसर। देखो न्यूट्रॉन का मास है पर चार्ज जगह बच्चों, क्या सही, हाँ ये सही स्टेटमेंट है, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल बट ऑपोजिट नेचर, हाँ ये भी सही, तो क्या सी आपका रॉन्ग है, तो उसको टिक करना है, इजी क्वेश्चन। तो बच्चा चार में से तीन क्वेश्चन इजी था कि नहीं था, अगेन यस सर, 36 वाला क्वेश्चन देखो बच्चा क्या लिखा गया, 36 वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया, अमंग द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स कौन सा सही नहीं है, देखो बच्चा आपके पास चार क्वांटम नंबर होते हैं,
प्रिंसिपल काउंटर मेंबर बी अजीमुथल, ठीक है ना, मैग्नेटिक, और फिर आता है स्पिन। एन देखो, अगर आपका एन का कोई वैल्यू हो तो एल क्या बचोगा, एल आपका 0 से n-1 होगा। कभी भी यस सर एन और एल की वैल्यू सेम नहीं हो सकता, देखो कभी भी इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं हो सकता, कभी भी आपका नहीं नहीं पीयूष वो नहीं है, बी आंसर बचाएगा। क्यों बच्चा, कभी भी आपका एन और एल का वैल्यू सेम नहीं हो सकता, उसे हमें छोटा रहेगा। यस सर अब देखो, अगर आपका एस ऑर्बिटल है तो आपका एल की वैल्यू 0 आएगी, अगर आपका पी ऑर्बिटल है तो एल की वैल्यू 1 आएगी, अगर आपका डी ऑर्बिटल तो एल की वैल्यू 2 आएगी, अगर आपका एफ ऑर्बिटल तो आपका एल की वैल्यू 3 आएगी। सिंपल। तो बच्चा कभी आपने 3f, कभी बच्चा आपने 3f ऑर्बिटल देखा है बच्चा? एन क्या बच्चा, एन आपका वो नंबर है, एफ क्या होता है आपका ऑर्बिटल नंबर है। क्या आपने कभी 3f देखा है? तो आपने कभी 3f देखा ही नहीं है, वही तो हुआ ना बच्चा, पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस यस सर अब बच्चा यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको एच कट दिख रहा होगा। अब बच्चा ये एच कट क्या होता है, ये एच कट होता है एन एच अपॉन 2π के बराबर होता है। जो आपका एच कट है बच्चों, ये आपका एच अपॉन 2π के बराबर है, तो उसका रिविजन कीजिए। और बच्चा मैं आपको आज माइंड मैप शेयर करूंगा, माइंड मैप, तो आपको उसको करने में और हेल्प होगा समझ में। डन सर बच्चे? यस तो क्या होगा आपको, तो क्या बच्चों आपका पूरा चैप्टर आपका एक ही पेज में आ जाएगा। अब बच्चा एग्लोमेरेशन फॉर्म बच्चे क्या होता है, आप बच्चे बोलोगे एग्लोमेरेशन क्या होगा, आप बोलोगे एनएच अपॉन 2π के बराबर होता है। अब बच्चा एक कौन सा ऑर्बिट में बच्चों, ये आपका थर्ड ऑर्बिट में, तो क्या होगा एन आपका क्या 3 आएगा, एन आपका 3 आएगा। तो बच्चों क्या लिखेंगे, 3h अपॉन 2π। अब बच्चा एच अपॉन 2π क्या होता है, एच कट, तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे 3h कट, ये इसका आंसर आएगा। तो क्या आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये फॉर्म यस सर बच्चों, अगेन बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ, भोर थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ हमेशा आता है बच्चों, इवन JEE भी आता है क्वेश्चन यहाँ से, तो ये आपको समझना है सिंपल। तो बच्चा अभी तक जितना पढ़ के क्या बच्चों, उसको आप प्लीज अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हाँ बेटा, मेरा पीस है। सर व्हाट अ कोइंसिडेंस। ठीक है, पीयूष सर फ्रॉम NIT सूरत, ठीक है ना, मैंने भी NIT में पढ़ाई की है, ठीक है, यस सर NIT सूरत। हाँ पीयूष कुमार भी है, अपना पीयूष कुमार है ना। IIT रुड़की, बेटा रुड़की का स्पेलिंग गलत है बेटा, ठीक है ठीक है, अच्छा है, होना भी चाहिए। अब देखो अगेन, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे लिखो, लिखा लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, 38 और 39 क्वेश्चन लिखा देना। अब बच्चे क्या रहेगा यहाँ पे ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, कौन सा आपको ऑक्टेट फॉलो नहीं करता। अब सिंपल से बताओ, ऑक्टेट रूल बच्चे क्या बोलता है कि बच्चा आपका हाइड्रोजन क्या हो चाहिए, हाइड्रोजन और हीलियम क्या हो चाहिए, इसका आपका 2 रहता है, बाकी सारे एलिमेंट क्या बचेगा, उसका आपका 8 ऑक्टेट होना चाहिए उसके वैलेंस में, राइट, ये होना चाहिए। अगर आपके 8 से ज्यादा है तो ये ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन है बच्चा, ऑक्सीजन वैलेंसी क्या होती है, आप बोलोगे क्या बच्चा बोलोगे, -2। अरे वैलेंसी बच्चा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन में, -2 एकदम से बोलो, -2 चार्ज एकदम से बोला आपने, तब क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6,
छह होगा, और क्या बच्चों आपके पास दो हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बच्चों ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो गई, आठ हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, यस सर। हटे दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो दो हो गया, तो ये बन गया है ना। तो हाइड्रोजन वाटर आपका ऑक्टेट फॉलो कर रहा है। अब देखो अगर आप पी सल्फाइड की बात करो तो ये फास्फोरस है। अब बच्चा फास्फोरस के आउट ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा, फाइव फाइव है, तो एक दो तीन चार और ये पांच है ना, ऐसे लिखता हूँ मैं, पांच लिखता हूँ, तो ऑटोमर से पांच इलेक्ट्रॉन है। अब बच क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आपका पांच क्लोरीन आ रहा है, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, चार, और ये आपका पांच क्लोरीन आ रहा है। तो क्या बच होता है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे दो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, दो दो और दो, कितना बच्चों अब बोलोगे फॉस्फोरस के वैलेंसी कितने हो गए, दस हो गई। और क्लोरीन कितना बच्चों, सात था, एक बार तो क्या होगा, ये आपका आठ बना रहा है, क्लोरीन सर्टिफाई कर, लेकिन आपका फॉस्फोरस सर्टिफाई कर, तो क्या आंसर बचेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका फॉस्फोरस कितना, यहाँ पे फॉस्फोरस ऑटोमेटिक दस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये आपका ऑटो फॉर नहीं कर रहा, ये आपका ज्यादा आ रहा है। ठीक है, बन गया बात, इतना ही करना है आपको, समझे सर बच्चे, हाँ या ना ये पार्ट को। यस यस सर, सर। हाँ हो गया। हाँ तो ये आपका ऐसे बन गया। अब देखो 39 क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोला गया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड के बारे में बोला गया है, तो बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा इसका। देखो सबका आपका एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया गया है, बताओ क्या आंसर आएगा। बच्चा मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल में आप ऐसे बताइए, ठीक ना, तभी आप बच्चा यहाँ पे बता पाओगे प्रॉपरली, ठीक है। बच्चा पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल में आप ऐसे कीजिए, ठीक है ना। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिए तब जाके आंसर आएगा, नहीं तो बच्चा आंसर नहीं आएगा। कीजिए बच्चा, हाँ बच्चा पांच बच्चों ने वोट डाला अभी तक, दे ओके। बच्चा 12 12 वोट आया, पोल में लॉन्च कीजिए बच्चा। पीयूष कोई बात नहीं बच्चा, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो अब क्या बोलो बच्चो, एकदम से लोचो, सबका आंसर एकदम सही है। बच्चा पोल लॉन्च करो, एंड कर देखो, ऑप्शन बी इज द आंसर। देखो बिकॉज यस आयरन टेबल क्या बच्चों का आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं बेटा, कोई इशू नहीं, अब यहाँ पे आप भेज दीजिए, यहाँ पे आप देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब जो 40 क्वेश्चन, क्या बच्चा आपने 40 क्वेश्चन पहले पढ़ा है बच्चों, हाँ या ना, यस सर, क्या आपने ऐसा क्वेश्चन दिखा है ना, दिखा होगा। यस सर, तो बच्चों देखो जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो बच्चों क्या आंसर आता है, आप बोलोगे आप सी आंसर आना चाहिए बच्चा। क्या होगा, पहले आपके फ्रिज पास, फिर आपको क्या, फिर आपको दूर दूर होता जाएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्या बच्चों ये आपका सेकेंड चैप्टर क्वेश्चन पूछा गया। अगेन देखो एलिमेंट 9 17 35 53, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है बच्चों, बताओ जरा। हमारे पास बहुत से ग्रुप्स होते हैं, देखो एक होता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक हेलो सर, हेलोजन, हेलो जेन, तो देखो ये 13 14, आपके बोलो हेलोजन है क्या सर, कि बस देखो बच्चों सिंपल सी बात है, ये फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया,
या आर्डिनो और ये आपका एटी हो गया, तो ये आपका हेलोजन से कंपाउंड है। तो देखो क्या अभी तक आपने देखो कितना इजी, दो एक क्वेश्चन इजी, दूसरा क्वेश्चन तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। तो बच्चों अभी आपने अभी तक आठ आठ क्वेश्चन हो गया आपका, अभी तो पूरा खत्म खत्म भी नहीं हुआ है। देखो ये इतना सा बाकी भी है ये पूरा पार्ट। तो इससे बोलो बच्चों प्लीज एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, इतना टफ नहीं आता। स्मॉलेस्ट साइज कौन से आयन का सबसे छोटा साइज बच्चों बता क्या आंसर आएगा, किसका सबसे ज्यादा छोटा साइज होगा? सर डी क्या आंसर आएगा, डी। अब देखो ये बस बस ध्यान दो है ना, मैंने बच्चे तो बोलता अगर आपका सारा दो ये सारे के सारे आइसोलेटेड बच्चे हो, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका हर जगह आपका 10 10 इलेक्ट्रॉन है हर हर जगह बच्चा है कि नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन जी। क्या बोलता है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज छोटा होगा और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना साइज बढ़ेगा, तो सबसे साइज किसके किसके साइज ज्यादा हो बचोगा, एफ माइनस का, फ्लोरीन का, एन ए प्लस का, फिर आपका मैग्नीशियम टू प्लस का, फिर आपका ए थ्री प्लस का ना। तो इसी क्वेश्चन से इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, तो प्लीज अच्छे से डिविजन कीजिए। ओके अब देखो सोडियम कैन एग्जिबिट द वैलेंसी ऑफ टू बिकॉज वो दो क्यों दिखा पाता, डी है ना, क्या हो चुका आपका मच हायर देन फर्स्ट, इसका सबसे ज्यादा ये आएगा, सिंपल बात है, हो गया पार्ट, ये आपको समझना है चीजों को है ना, मच है तो फर्स्ट होगा। अब यहां पे देखो अभी अगेन आपका पीओसी ओडी पार्ट है, ये क्वेश्चन है कुछ ये बच्चा हमने पहले क्या है अगेन बच्चा, ये क्या बच्चा, ये आपका वृहस्पति से क्वेश्चन आता है, आई एफ आई आयोडीन कितना आप बच्चों इलेक्ट्रॉन होता है आयोडीन का ऑटोमोस में बच्चों, आप बोलोगे सेवन होता है, एक दो तीन चार पांच छह और ये सात, पांच फ्लोरीन बच्चों देखो एक दो तीन चार और ये पांच, एक लोन पेर है, तो क्या आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सभी में आपका नंडी की बॉन्ड आई है, सिंपल। अब यहाँ पे दो POCl3, POCl3 इसका आप हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखो हाफ ब्रैकेट में फास्फोरस की वैलेंसी पांच होती है, तो पांच प्लस कितना क्लोरीन बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका तीन क्लोरीन आएगा, फाइव प्लस एट, एट बाय टू फोर, अगर फोर है तो क्या बच्चों फोर क्या होगा, आप बोलोगे sp3 आएगा आपका, तो क्या आंसर है, ऑप्शन सी है ना। तो ये बच्चा आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ समझ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपका आंसर इतना कोई डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चंस। तो बच्चों देखो अगेन जो भी आप लोग क्वेश्चन दिखाए थे उसको आप रिवाइज कीजिए, जितना ज्यादा रिवाइज होता उतना अच्छा आपको होगा। देखो अब देखो ये जो क्वेश्चन बच्चा ये कैसा, ये आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, अभी तक बच्चा इस पार्ट से क्वेश्चन किया नहीं है लेकिन आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो अब बच्चे यहाँ पे दो पार्ट, एक होता है सिस आइसोमर, एक होता है ट्रांस आइसोमर, आई गेस आपने स्कूल में पढ़ा होगा हाँ है ना, सिस और ट्रांस के बारे में बच्चों पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अगर दोनों ग्रुप सेम साइड हो तो सिस होगा, अगर बोथ द ग्रुप आर सेम साइड कार्बन कार्बन डबल दो कार्बन का डबल बॉन्ड बच्चों कार्बन का डबल दोनों साइड तो क्या बच्चों ये आपका होगा सिस फॉर्म होगा, अगर दोनों आपका अलग अलग अगर आपका डायगल तो क्या बच्चों ये आपका होगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसोसोमर होगा। तो होता क्या बच्चों कौन सा रीजन आपको ट्रांस बन, तो बच्चों ध्यान रखना दैट इज लिथियम इन अमोनिया लिक्विड अमोनिया, या फिर आप बोल सकते हो लिथियम लिक्विड हो या तो बोल सकते हो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो क्या बच्चों का ये आपका क्या बच्चों बनेगा ये आपका ट्रांस आइसोम बनेगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अभी तक बच्चा आपने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो बाद में। ये आपका आएगा क्वेश्चन, ये कराऊंगा मैं आपको। तो ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, तो नया क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना पड़ेगा बच्चों अगेन, और ये क्वेश्चन भी करना बाकी है, करेंगे इसको प्रॉपरली अगेन। 48 देखो क्या ये बोला गया E2। अब आपने E2 पढ़ा ही नहीं आपने, E2 मतलब क्या, आप बोलोगे बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये आपने पढ़ा नहीं हो, जब पढ़ोगे आपको अच्छे समझ में आएगा, तो ये बात हम बाद में कर सकते हैं। 49 लोग कुछ बच्चों, अगेन बच्चों ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसका रिएक्शन याद करना पड़ेगा, ये भी बच्चा ऐसे क्वेश्चन है फैक्चुअल, आपको याद करना पड़ेगा, तो जो याद नहीं उसको छोड़ दो, जब क्वेश्चन आएगा तब आप उसको रिवाइज कर लेना, तभी आपका काम बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? तो मेरा कहना मतलब क्या बच्चों, मेरा कहना मतलब इतना ही है, जितना आपको आता उतना कीजिए, और ये सब पार्ट में आपको करने वाला, डोंट वरी सब पार्ट हम करेंगे। अगेन ये दो बच्चों, इसको सिंसियर बच्चों, ये आपका भी JEE से हट चुका है, और ये क्वेश्चन भी आपका JEE से भी नहीं आने वाला पार्ट, क्यों बच्चों? बिकॉज JEE आपका नया सिलेबस आया, वहां से आपका एस ब्लॉक एलिमेंट आपका हट चुका है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक का बच्चा जो डिश है वो आपका हट चुका है, नए सिलेबस में पैटर्न नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर देखो फिर बाकी आपका ये पार्ट आता है, इक्विलिब्रियम सारा पार्ट आपका, अगेन बच्चों पूरा पार्ट नहीं करना है आपको, 10 में से फिर 5 ही क्वेश्चंस करने, 10 में से आपको 5 ही क्वेश्चन करने, सिंपल सी बात। अब देखो 15 क्वेश्चन 56 बच्चों, ये इजी क्वेश्चंस है। अब देखो यहां पे लिखा है हाइड्रोजन, अगर बच्चा अगर आपको हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर पता है तो आप नहीं कर पाओगे, तो ये भी आपने क्यों, देखो ये आपका इनर क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, तो इसका बच्चों इसका ऐसा चलो देखो, एंड ये इसका स्ट्रक्चर है क्या बच्चों, हाइड्रोजन का। अब देखो बच्चों क्या पता है नाइट्रोजन में कितना लोन पे होता है, आप बोलोगे नाइट्रोजन पास एक लोन पे होता है बिकॉज उसकी वैलेंसी 5 है, तो 3 बॉन्ड बना रहा है और एक लोन पेयर है, अगेन 3 बॉन्ड बना आपका यहाँ पे लोन पेयर है, तो बच्चों कितना बॉन्ड बना देखो, 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड पेयर है, 5 आपका बॉन्ड बना है और आपका यहाँ पे 2 लोन पेयर है, हर नाइट्रोजन एक लोन पेयर है, तो कितना आएगा और कितना आंसर है बच्चा का, 7 is the right answer। तो बच्चों इस क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए, इस क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए, समझ मारा कि नहीं बच्चों? अरे बच्चे सारे बच्चे, तो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, ऐसे बच्चा आपको क्वेश्चन को समझना, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को भी, किसी बच्चों को भी? नो सर। तो यहाँ पे सॉल्व पर नोट डाउन कीजिए, तुम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों क्या निकालना है आपको, निकालना है आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, कैसे निकालते बच्चों ये मैंने बताया था, 10% प्लस 11 81% अपॉन 100 कर दो आपका आंसर आ जाएगा, कर दो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका एवरेज एटॉमिक मास, तो क्या देखो दिस इन दिस दिस इज डिवाइड बाय 100 आ गया आपका आंसर, है ना, ये आपका एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा, परसेंटेज उसका मास इनटू डिवाइड बाय 100 और आ गया आपका एवरेज मास। अगेन 57 50 क्वेश्चन ये आपने पहले भी किए हैं, देखो ये थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन है, ये भी आपका थर्मोडायनेमिक क्वेश्चन है, थर्मो और क्या बच्चों आपका यहाँ पे 3 आपका इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन पहले नहीं किया बच्चों, अगर आपने किया है तो आपको उसको रिविजन करना पड़ेगा, है ना, तभी तो कर पाओगे ना, आपको बच्चों जो भी क्वेश्चन दिखाई दे उसको रिविजन करना है आपको बार बार, तो बच्चों क्या आपको फोकस ऑन रिविजन, जितना उसे रिविजन तो काम बनेगा मारा बच्चों। देखो ऐसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया,
डन बच्चा, एक क्वेश्चन ये पढ़ा है ना। तो बाकी मैंने आपको उसका नोट भेज दिया है, आपको वहां से रिवीजन करना पड़ेगा, तो आप कल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। तो मेरा कहना मतलब क्या बच्चो, प्लीज प्रॉपर रिवीजन कीजिए। अब देखो बच्चो, अभी JEE में संदीप आप यहाँ पे क्लास से फोकस कीजिए, है ना, आप यहाँ पे क्लास से फोकस कीजिए, कि ठीक है। चलिए अब बच्चा ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखा दूं, जो आपका हम ये जो पढ़ रहे हैं, बच्चा देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। बच्चा मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आप सारे बच्चे पोल में आंसर बताए, ठीक है ना, इसका आंसर। बच्चा मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, कम ऑन बच्चा, मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, कम ऑन। इसका बच्चा आपको IUPAC नहीं बताना, बताइए क्या आंसर आएगा, बताए बच्चों का मन क्या आंसर आएगा। आयुष ने बोल दिया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बच्चा कैसा आएगा, बच्चा थोड़ा टाइम लीजिए, समझ समझ कीजिए। पीयूष बेटा कैसा बोल रहे हो, है ना, थोड़ा समझ समझ के बच्चा कीजिएगा आंसर। बच्चा पोल लॉन्च किया था, पोल बच्चा आंसर कीजिए, कम ऑन। बच्चों मेरी आवाज आ रही है, हाँ या ना सारे बच्चे? बच्चा आराम से नोटडाउन करियो, मैं आपको 3 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट में कीजिए, अरे क्वेश्चन कीजिए, क्या आंसर आएगा, आराम से कीजिए। पूरा नहीं करवाया, कुछ मिनट बचा हुआ है, आपको कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो B2 बैच उसमें बचा, ऐसा आपका सिस्टम हमने कर लिया, राइट, हमने SL पार्ट कर लिया था, आप क्लासेस बाकी करवा देंगे, अरे क्लास होगा ना, क्लास हो खत्म हो जाएगा, क्लास करेंगे ना बच्चा, उस समय करेंगे, सीखेंगे। तो बच्चा ये बताइए, यहाँ पे आपके पास दो चीज आपको दिख रहा है, ये दो, एक आपको कार्बन कार्बन डबल दिख रहा है, एक आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, बच्चा किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, बच्चा किसका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता, राइट, है ना आयशा? यस सर जी। अपने बीरल बैच किधर है, सुहानी, परमिंदर, कशिश, बताइए क्या आंसर आएगा। बच्चा मैंने पोल लॉन्च किया था, प्लीज आप पोल में आंसर दे सकते हैं सारे बच्चे, अभी तक 8 ही उठा है सारे बच्चा, आंसर बताइए बच्चा, कम ऑन। बताइए बच्चा क्या आंसर आएगा, थोड़ा वेट करो।
बच्चों अभी तक 14 वोट से आए हैं, सारे बच्चे बताइए क्या आंसर आएगा, प्लीज वोट कीजिए। और हाँ, जिसने वोट कर दिया वो हैंड रेस्ट करो, जिस बच्चों वोट कर दे वो हैंड रेस्ट कर दो। प्रिंस ने कर लिया, कशिश कर दिया, ओके बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने वोट डन कर दिया वो हैंड रेस्ट कर दो प्लीज प्लीज। बाकी सारे बच्चे भी, कोई बात नहीं पीयूष, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्टिविटी में जाओ, वहां पे आपका पोल होगा, ओके। तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल को एंड करता हूँ, ठीक है ना। मैं बच्चा यहाँ पोल को एंड करता हूँ। छह बच्चे ने ऑप्शन ए चूज किया है, छह बच्चों ने ऑप्शन बी चूज किया है, एक ने सी बोला और अपने पांच ने डी बोला गया, ओके। अब देखो हम आंसर निकालते हैं इसका। देखो अब बच्चे यहाँ पे ध्यान दो कि क्या होता है, डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा होता है हैलोजन से। बे हैलोजन तो बच्चों बच्चों ऐसा देखोगा, एक कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन, यहाँ पे आपका चौथा और यहाँ पे आपका पांचवा। तो क्या बच्चों, आप यहाँ पे आपको पांच कार्बन लेना पड़ेगा, तो क्या बच्चों आपका पेंट आएगा, तो पांच में पेंट आ गया, तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हट गया, बिकॉज प्रॉपर ब्यूट बोला गया, वो तो नहीं आने वाला है कि नहीं। अब देखो टू पे क्या बच्चों, टू पे डबल बॉन्ड है, फोर पे क्या बच्चों ब्रोमीन है, और थ्री पे क्या बच्चों, थ्री पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो क्या बच्चों, अब बोलोगे फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल पेंटेन, डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस समझ में बच्चों, ऐसे आप अगेन बच्चों, अभी तक हमने बहुत सारी चीज करना बाकी है, हम करेंगे आराम से पर, ओके। तो बच्चा मैं अगेन यहाँ पे हैंड लोअर कर रहा हूँ, और बच्चों हम और क्वेश्चन करते हैं। अगर मुझे देखो देखो यहाँ पर इसका आंसर दो ना, ये क्वेश्चन का बच्चा के यहाँ पे मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, बच्चा आप यहाँ पे आंसर पुट कर सकते हैं। जी बताइए क्या आंसर आ सकते हैं, बताइए। आपका क्या आईयूपीएसी का नेम क्या होगा? अगर बच्चों जेडब्ल्यू में ऐसे ऐसे सवाल आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। बच्चा पोल लॉन्च कर दिया, प्लीज पोल में ऐसे दीजिए। करिश्मा, पल्लवी, परमिंदर, बाकी सारे बच्चे प्लीज वोट डाउन कीजिए। बच्चा जिन बच्चों ने वोट करो वो हैंड डिस्क कर सकते हो, वो हैंड डिस्क कर लो। बच्चों और वोट डाउन कीजिए, कौन बच्चा। अगर बच्चों जो भी आपको क्वेश्चन दिखाई देता है जो समझ में, तो बच्चों हम आपको उसका सोल्यूशन भेजते हैं, वहां से आप उसको समझ समझ कीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, ठीक है, उसे कीजिए। चलिए नहीं बेटा, नहीं बेटा हमने नहीं करवाया, करवाऊंगा बच्चा, केशव डोंट वरी, करवाऊंगा अभी, करवाने करवाऊंगा, बाकी है, ठीक है, डोंट वरी। हाँ बेटा ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू का ही है, ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू का ही है, ओके। तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल को बच्चा एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो कैसे करें, देखो यहाँ पे बच्चा ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, तो बस नंबरिंग बच्चा कैसे करें, नंबरिंग बच्चा यहाँ से कर, देखो एक दो तीन चार
पांच छ और सात, सात कार्बन तो क्या बचोगे आपका, हेप्टेन आ गया। अब कौन से ऑप्शन बचा, हेप्टेन है, ऑप्शन डी में हेप्टेन है। थ्री पे तो बचो, थ्री पे क्या बचो, एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो ये आपका इथाइल है, ये आपका मिथाइल है। तो थ्री इथाइल ये पहले आता है, 4.4 डाइमिथाइल हेप्टेन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो ये आपका अर्निंग क्वेश्चन है, वो तो समझ समझ ऐसे करना, ठीक है ना। अरे यार क्या कर भाई, क्या कर रहे हो आप ये, अरे यानी कि उसका वो इग्नोर करो यार, इग्नोर करो आप, यहाँ पे देखो आपको आ रहा है कि नहीं होगा। हाँ जरूर हो भाई, क्यों नहीं होगा, रुड़की तो मतलब रुड़की तो मैं गया भी हूँ, ठीक है ना। इट इज लाइक एकदम सबसे प्रीमियम कॉलेज होता है, सच बता रहा हूँ, इट इज बहुत अच्छा कॉलेज सच में। आप आईआईटी मंडी जाओ, हाँ तो वही वही बोल रहा ना मैं, अगर आप सही से अच्छी बात है तो फिर आप यहाँ पे क्लास भी करें। कौन से ब्रांच में बोले ये बता, कौन से ब्रांच में बता, ब्रांच कौन सा आपका। अच्छा आप दूसरे पुष्ट बोल रहे थे, सिविल, ओके तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे फिर ओके है ना, ओके okay। बच्चों इसका नाम, बच्चों इसका आपको नाम बताना है, मजे बेटा, मजे थोड़ी करने हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मजे तो नहीं कर पाएंगे ना सब बच्चों, यहाँ पे ध्यान दी, मजे तो यहाँ पे करना ही नहीं है, क्लास के दौरान कहाँ मजे करेंगे, ठीक है। चलिए देखो चौकी ने आपका आईयूपीएससी क्वेश्चन आ गया। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको हेल्प कर दूँ, देखो कैसा था ये आपका, ऐसे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे देखो CH3 फिर XCO, बच्चों दो क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बच्चों यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे H है और उस कारण आपका दो मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे CH3 आएगा और यहाँ पे एक CH3 आएगा, है ना, ऐसा बच्चों आएगा। यस सर, अब देखो किटोन ग्रुप कहाँ बच्चों, आप बोलो किटोन ग्रुप, तो यहाँ से नहीं मिलेगा, तो एक दो और ये तीन और ये चार, तो दो पे क्या बचो, दो पे आपका कीटोन ग्रुप है, चार का मतलब ब्यूट और थ्री पे मिथाइल है, तो क्या आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तो थ्री मिथाइल टू ब्यूटोन, ब्यूटोन ये इसका राइट आंसर है। हाँ देखो तो बच्चों ये पूरा पाठ प्रॉपरली करने वाले हैं, तो ऑर्गेनिक बच्चा में स्टार्ट किया, प्लीज अच्छे से समझ समझ को रिवर्स यूजिंग कीजिए, डन सर है बच्चे। हाँ ना यस सर, आयशा कैसे समझ, बच्चा मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में कि नहीं, हाँ या ना, यस सर, जी तो प्लीज बच्चा आप थोड़ा अच्छे से उसको कीजिए। चलिए चलिए बच्चों तो हम यहाँ पे क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, और बच्चा हम कल मिलेंगे और हम इसको अच्छे से रिवाइज करके, चलिए बाय बच्चा, टेक केयर, बाय एवरीवन। बाय सर, बाय सर, गुड नाइट। और हाँ जो भी आप क्वेश्चन भेजो बच्चों उसको बच्चा प्लीज अच्छे से रिविजन कीजिए, रिविजन का मैटर करता है। बाय बेटा बाय, ओके बाय पीयूष, IITN दोनों पीयूष है यहाँ पर, वैसे तो मैं भी पीयूष हूँ और एक पीयूष भी है, और एक पीयूष 12th पढ़ भी रहे हैं, 11th पढ़ भी रहे हैं, तो तीनों पीयूष यहाँ पर है, अच्छी बात है कि नहीं। चलो ओके ओके गुड नाइट सर। बाय बच्चे, बाय 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 बाय। तो बच्चा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करते, ओके बाय बाय।